सरकार की उदासीनता से खफा बैजनाथ उपमंडल के गुनहेड़ पंचायत के सलवाक गांव के 8 के लगभग परिवार अपना आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर कार्ड मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को भेजने का निर्णय कर चुके हैं। ग्रामीणों से पिछले 4 दशकों से वोट तो लिए जा रहे हैं, लेकिन सुविधाएं मुहैया करवाने के नाम पर पुरानी पहचान पूछी जा रही है। ये बात समाज सेवी संजय शर्मा ने सलवाक के ग्रामीणों के साथ धर्मशाला में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। ग्रामीणों का कहना है कि उनसे वोट तो लिए जाते हैं, लेकिन सुविधाओं के नाम पर पुरानी पहचान दिखाने का हवाला दिया जा रहा है। संजय शर्मा ने बताया कि इन परिवारों के जमीन सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। ये परिवार टीन के शेडों तथा तरपाल के टेंट लगाकर रह रहे हैं। जहां ये टेंट या शेड लगाए जाते हैं, उसका भी भूमि मालिकों को किराया दिया जाता है। संजय शर्मा ने कहा कि सलावा गांव के एक ग्रामीण रामा राम को वर्ष 2015 में भूमि आवंटित भी हुई थी। राजस्व विभाग ने औपचारिकताएं पूरी की, लेकिन जब भूमि हस्तांतरण की बात आई तो उससे पुरानी पहचान दिखाने को कहा गया, जबकि रामा राम का पूरा परिवार पिछले 4 दशक से यहां मतदान करता आ रहा है। उन्होंने कहा कि आधार कार्ड, राशन कार्ड की सुविधाएं इन परिवारों के लिए कागज के टुकड़े की तरह है, जबकि इन परिवारों को मूलभूत सुविधाएं देने की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया है। संजय शर्मा ने बताया कि उक्त सभी 8 परिवारों के महिला व पुरुष पत्थर तोड़ने का काम करते हैं। इन्हें मनरेगा के तहत भी नहीं जोड़ा गया है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि ये ग्रामीण पाषाण युग जैसे जीवन जीने को मजबूर हैं। देखिए सर, ये लोग बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र की गुनेड़ पंचायत से स्वालक गांव से आते हैं, और इनके साथ समस्या ये है कि इनके पास ना मकान है, ना जमीन है, ना टॉयलेट है, ना गैस है, ना लाइट है, ना नल है, और सिर्फ इनके पास एक पहचान पत्र है, वोटर आईडी कार्ड है, वो समस्या है। और आज ये लोग अपना वोटर आईडी कार्ड जो है आप लोगों के माध्यम से सरकार को वापस करना चाहते हैं, क्योंकि उसको जो फैसिलिटी इनको मिलनी चाहिए थी वो तो मिल नहीं रही है कई सालों से। हालांकि ये पिछले 30 या 40 सालों से वोट कास्ट कर रहे हैं उसी पंचायत में, उसके बावजूद वोट तो ले लिए जाते हैं, लेकिन सुविधाओं के नाम पर आज तक इनको ठेंगा ही दिखाया गया है। उसी वजह से आज ये आपके माध्यम से सरकार तक बात पहुंचाने के लिए आज ये लोग आए हैं यहाँ पर। क्या क्या भेजेंगे ये अपना? ये अपना आधार कार्ड और राशन कार्ड भेज देंगे, यही दो चीज़ें हैं इनके, वोटर आईडी कार्ड। आधार कार्ड एक ऐसा आईडी कार्ड है जिसे गवर्नमेंट ने भी डिक्लेयर किया है कि इसके ब्याह पर आप कोई भी फैसिलिटी, आपको कोई दूसरा पहचान पत्र दिखाने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली अगर आधार कार्ड ही भेजते हैं तब भी बहुत अपने आप में बड़ी बात है। तो ये किसको भेजेंगे और कैसे? ये सरकार को भेजेंगे, जो वर्तमान सरकार है उसको भेजेंगे, जो सीएम साहब हैं उनके पते पर भेजा जाएगा इनको। डीसी के माध्यम से भेजा जाएगा? पोस्टल के माध्यम से भेजा जाएगा, बाई पोस्ट भेजा जाएगा, बाई रजिस्टर्ड पोस्ट इनको भेजा जाएगा। सर, क्या सरकारी सुविधाओं के लिए इन्होंने अप्लाई भी किया था? कई बार अप्लाई किया है, कई बार तो डीसीएच से रामा राम जी जो बैठे हैं इनको जमीन भी अलॉट हुई 2015 में, लेकिन मात्र इनको वो दूर से वो दिखा के वो फाइल फिर बंद हो गई। किसी ने क्या, गरीब आदमी मैं बता रहा हूँ कि ये लोग पत्थर तोड़ के अपना गुजारा करते हैं। अब इनको बीट से बैजनाथ आने के लिए यानी कि 20 किलोमीटर है, हजार बार सोचना पड़ता है किराया कहाँ से करें। और दूसरा मेरे साथ ये बाबूराम जी ये बच्चे को लेकर बैठे हैं, इस बच्चे के दिल में सुराख है। आप खुद सोचें कि कोई सुविधा तो है नहीं किसी तरह की, जब टॉयलेट बाथरूम या इस तरह का गैस कनेक्शन नहीं है, बिजली का नहीं है, तो वो हेल्थ कार्ड क्या बोलते हैं वो कहाँ से बनेगा इनका, वो भी नहीं है। अब ये बेचारा अपने बच्चे का इलाज कहाँ करवाएगा, दर दर भटक रहा है, लोगों से भीख मांग रहा है कई दिनों से अपने बच्चे के इलाज के लिए। तो ये अत्यंत दुखद और बहुत ही मार्मिक बात है। ऐसा लगता है जैसे आप लोगों को कभी समय लगे तो हमारे साथ वहाँ चलिए, आप खुद महसूस करेंगे कि आप लोग पाषाण युग में पहुंच गए हैं। थैंक यू। सलावा गांव के ग्रामीणों रामाराम, कमला एवं शबनम, बाबूराम, भगतराम, प्रवीणा देवी, प्रेमी देवी, गुड्डो देवी, शीतल देवी ने बताया कि हालांकि उन्हें राशन कार्ड व आधार कार्ड की सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं, लेकिन सुविधाएं ना मिलने से इनका कोई फायदा नहीं है। ऐसे में उक्त 8 परिवारों ने अपने आधार कार्ड डाक के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजने का निर्णय लिया है। समस्या आ रही है आपको? समस्या ये आ रही है सर, गुनेट निजात से रहने वाला हूँ मैं,
और तहसील बैजनाथ पड़ती है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा पड़ते हैं, और गांव शलाब गए, और वहाँ से काफ़ी सालों से रह रहे हैं और हमें वहाँ से कोई सुविधा नहीं मिल रही है। और मेरे बच्चे के लिए हम इलेक्शन बहुत की हमने, 5 देते हैं, 10 देते हैं, 2.5 लाख रुपये का खर्चा है इसका, तो 5, 10, 10 करके हमने 70-80 हज़ार रुपये किया है, दवाई का खर्चा हुआ है। तो मैं कभी पंचायत में गया, प्रधान के पास गया, तो प्रधान ने कहा मुझे कि इस पंचायत सरकार ओर से हमें, पंचायत ओर से कोई भी यहाँ से आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ कि मैं प्रधान से कहा मैंने कि जो राशन कार्ड है RDP का है, मेरे बच्चे का इलाज होने तक आप मेरे बच्चे का नाम डाल दो उसमें, और इलाज हो जाए तो उसके बाद आप वापस कर लेंगे जिसका नाम डालें। तो प्रधान बोलते हैं किसको काटें किसको डालें, तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं। जब पब्लिक इकट्ठा होती है तो उसी टाइम आओ। क्या बच्चे को बीमारी क्या है? बीमारी ये है कि उसके हार्ट में प्रॉब्लम है, तो 2.5 लाख रुपये खर्चा है उसका। तो सरकार को भी लिखा कभी आपने? जी, सरकार को हमने शिमला में भेजा था, जयराम ठाकुर को भेजा था, तो उनको लेटर भी भेजा था हमने, पर उसका जवाब नहीं आया। फिर दोबारा एक हमारे यहाँ से भीड़ कॉलोनी से है होटल से, और उन्होंने लेटर लिख के दिया था, मेरा पूरा कागज बच्चे का भी दिया था उन्होंने। तो वहाँ से एक बंदा गया था, वहाँ से उन्होंने सनिक्सेट करके लाए थे 1,25,000 रुपये। तो हम उस कागज़ को लेकर हम PGI में गए, तो PGI डॉक्टर बोलता है मैं इस कागज़ में कुछ नहीं कर सकता हूँ, बच्चे का इलाज नहीं कर सकता हूँ। तो हम पैसे कहाँ से करें सर, मेरे पास तो यही है 70-80 हज़ार रुपये दवाई का खर्चा, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं दिहाड़ी मजदूरी करता हूँ। आप DC से भी मिले थे इस मामले पे? जी, DC के पास गया था, DC जी सर ने हमें 5,000 रुपये दिए बच्चे के लिए। हम इसलिए आए जी, हम ग्रेड पंचायत के, फिर वहाँ हमारे को घर नहीं है, जमीन नहीं है, जमीन मांगते हैं सरकार से, तो सरकार वो बोलते हैं भाई तुम्हारे पास जमीन नहीं है तो घर कहाँ से देंगे हम, फिर जमीन लेंगे तो पिछला रिकॉर्ड लाओ ढूंढ के, ये तुम्हारे सियाने कहाँ रहते थे, कहाँ के रहने वाले थे, ऐसे मांगते हैं। तो आप कहाँ रहते हो, कैसे रहते हो आप? हम तो किराए पर देते थे जमीन, दूसरे की जमीन में एक ढारा जैसे डाला है टीन का, वहाँ रहते। कितने सालों से वोट डाल रहे हैं आप सरकार को? वोट तो हम काफ़ी सालों से डाल रहे हैं जी, जब से शादी की हुई, बच्चा देख लड़की मेरी छोटी सी 2 साल की, जब से वोट डाल रहे हैं। नहीं, जब वोट मांगने आते हैं तब क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बोलते वोट डालो हमारे को, हम सब कुछ देंगे, घर देंगे, जमीन देंगे, हर सुविधा देंगे, फिर वोट डाल देते, फिर उसके बाद बोलते भैया अपना रिपोर्ट लाओ अच्छे से, कहाँ के रहने वाले थे तुम्हारे सियाने, अब हमारे को क्या पता, हमारे सियाने तो बाहर ही घूमते थे। तो आप जो अपना आधार कार्ड वगैरह क्या करने जा रहे हो? अब तो जी वापिस कर रहे हैं हम इनको, हम आधार कार्ड से हमारे कोई लाभ ही नहीं मिल रहा हमारे को, बच्चे पढ़ाने की सुविधा नहीं है हमारे को, कहाँ रहेंगे हम, हमारे को घर नहीं है, जमीन नहीं है, पानी नहीं है, लाइट नहीं है, तो वापस कर रहे हैं तो क्या करेंगे वोट दे के इनको। नाम क्या आपका? कमला जी। ठीक।